Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go. That your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between whose and whose, and never mix up lose with lose. Which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say what, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. For your attempts will unravel, they'll come loose, and you won't be able to win. You just might lose. You must pay attention to spellings too. Listen carefully to every single clue. And remember, flu is not the same as flu. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. $1.87. That was all. And 60 cents of it was in pennies. Pennies saved one and two at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's cheeks burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. Three times Della counted it. $1.87. And the next day would be Christmas. Those are the opening lines from The Gift of the Magi, one of the most famous short stories in modern literature, written by that acknowledged master of the short story form, O. Henry. Short stories kisi bhi tarah ki ho, lekin sabse mazedar wo hoti hai jinke ant mein koi bhari twist aata hai. Ek aisa twist jo hum kabhi nahi soch sakte the. और इस ट्विस्ट वाली एंडिंग लिखने के चैंपियन थे मशहूर लेखक ओ. हेनरी. वर्ड मैच के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है. आई एम केसी शंकर और यह है इंडिया का पहला इंग्लिश लैंग्वेज गेम शो. आज का यह एपिसोड ओ. हेनरी की शॉर्ट स्टोरीज पर बेस्ड है और अब मिलते हैं आज के हमारे कंटेस्टेंट से. तो आइए बुलाते हैं हमारी पहली टीम को, बिलाबोंग हाई स्कूल इंटरनेशनल फ्रॉम इंदौर. Welcome to Word Match. बताइए अपने बारे में. I am Prithvi Balwani. और आपका नाम? I am Anirudh Iyengar. I like to play cricket. I sing. आप singing करते हैं? Singing. अच्छा. हमें कुछ सुना दीजिए please. Sa ni da pa ga ma pa ma ga re sa a a a सारे ग ध प प ध नी रे सा. बहुत अच्छा गाया आपने. पूरी फिजा आपकी सुरीली आवाज से महक गई है. तो आइए इसी नोट पे बुलाते हैं हमारी दूसरी टीम को, श्री राम विद्यालय बैंगलोर से. Welcome to Word Match. क्या नाम है आप दोनों के? I'm Danish from Sri Rama Vidyalaya. Welcome to the show, Danish. I'm Inayat from Sri Rama Vidyalaya. Welcome to Word Match. Let's welcome our last team, Center Point School, Nagpur. Welcome to Word Match. क्या नाम है आपका? Rachit. Rachit. विश्वनाथ. विश्वनाथ. तो शुरू करें हमारा गेम. यस सर. सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारा पहला गेम, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. इस गेम में हमने ओ. हेनरी की कहानियों से 10 इंग्लिश के वर्ड लिए, उसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट करवाया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेशन हमसे खो गए हैं. तो हम चाहते हैं कि आप लोग उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमें दे दे. ये एक बजर राउंड है. जो टीम पहले बजर दबाएगी उसे जवाब देने का मौका मिलेगा. हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स, लेकिन हर गलत जवाब के लिए आपके 10 पॉइंट्स कट जाएंगे. क्लियर? शुरू करते हैं हमारा पहला गेम, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. आपका पहला हिंदी का शब्द है भूगोल.
अर्थ ज्योग्राफी भूगोल का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है ज्योग्राफी सेंटर पॉइंट स्कूल माइनस 10 पॉइंट्स मेरा दूसरा शब्द कंजूस सेल्फिश आपके 10 पॉइंट्स कट जाएंगे कंजूस का इंग्लिश ट्रांसलेशन है माइजर तीसरा शब्द है द्वीप बिलाबोंग इंटरनेशनल ने फिर चांस लिया है आइलैंड ये बिल्कुल सही जवाब है फॉर 30 पॉइंट्स वेल प्लेड हमारा अगला शब्द है दिलचस्प इंटरेस्टिंग आपने कहा इंटरेस्टिंग एंड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर 30 पॉइंट्स वेल प्लेड बिलाबोंग अगला हिंदी वर्ड है न्यायालय न्यायालय कोर्ट द करेक्ट आंसर फॉर 30 पॉइंट्स वेल प्लेड सेंटर पॉइंट स्कूल श्री राम विद्यालय बैंगलोर इट इज टाइम फॉर यू टू ओपन योर अकाउंट हमारा अगला वर्ड है पश्चिम ईस्ट आप दोनों का जवाब गलत है पश्चिम होता है वेस्ट पूरब होता है ईस्ट दैट्स ऑल राइट हमारा अगला वर्ड है युवक यंग दैट इज करेक्ट आपको मिलता है 30 पॉइंट्स हमारा अगला हिंदी का शब्द है विशेष यूनिक इट हैज अर्नड यू 30 पॉइंट्स वेरी वेल प्लेड दो हिंदी के शब्द बाकी है तीनों टीम्स रेडी और ये है सत्य श्रीराम विद्यालय ट्रुथ इट इज करेक्ट एंड इट अर्नस यू 30 पॉइंट्स एंड द लास्ट वर्ड इज विशाल लार्ज जी हां करेक्ट है 30 पॉइंट्स के लिए That is the end of our first game, Lost in Translation. तो पहले गेम के बाद किसने ले ली है अर्ली लीड? Let's have a look. श्री राम विद्यालय बैंगलोर आपका स्कोर हुआ 20 points. Well played. Center Point School, नागपुर आपका स्कोर हुआ 50 points. और बिलाबोंग इंटरनेशनल इंदौर आपका टोटल स्कोर पहले गेम के बाद है 110 points. क्या आप जानते हैं कि बनाना रिपब्लिक शब्द ओ हेनरी ने बनाया था उन देशों के लिए जिनकी आमदनी सिर्फ एक ही चीज से होती है ये उन्होंने हॉन्ड्यूरस देश में बनाया था जो ज्यादातर केले बेचते थे द फ्रेज ही कॉइन इज नाउ इन कॉमन यूसेज अक्रॉस द वर्ल्ड देयरफॉर इट इज प्रोबेबली ब्लास्फेमी टू मडल अप द वे ओ हेनरी यूज्ड हिज वर्ड्स तो अब हम बढ़ेंगे हमारे दूसरे गेम की ओर द ग्रामर गेम हमने ओ हेनरी के कुछ सेंटेंसेस लिए और उनके ग्रामर को तोड़ मरोड़ के बिगाड़ दिया है एंड नाउ इट इज योर ड्यूटी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम ऑल राइट अगेन ये राउंड इंडिविजुअल टीम्स का राउंड है हर टीम को मैं 80 सेकेंड्स का टाइम दूंगा उन 80 सेकेंड्स के अंदर हर टीम को तीन सेंटेंसेस दिए जाएंगे ये सेंटेंसेस तीन अलग अलग प्रकार के हैं द फर्स्ट सेंटेंस इज ए फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस द सेकेंड सेंटेंस इज अ जम्बल्ड सेंटेंस एंड द थर्ड इज कंप्लीटली इनकरेक्ट पर कंप्लीटली इनकरेक्ट सेंटेंसेस में आप वर्ड्स ऐड भी कर सकते हैं और जम्बल्ड सेंटेंसेस में जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं उन्हीं को यूज करके उन्हीं को रीअरेंज करके आपको सही सेंटेंस बनाना है हर करेक्ट सेंटेंस के लिए आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग शुरू करते हैं हमारा दूसरा गेम द ग्रामर गेम बिलाबोंग इंटरनेशनल इंदौर तैयार है आप दोनों आपका पहला सेंटेंस है द मैन डैश द डोवे स्ट्रक डैश मैच डैश लिट हिज सिगार आप वर्ड्स इसमें फिल करके इस सेंटेंस का सही मतलब उभर के आएगा द मैन इन द डोरवे स्ट्रक अ मैच एंड लिट हिज सिगार दैट इज करेक्ट फॉर 30 पॉइंट्स एवरीथिंग आई हैज लाइफ आस्क्ड फॉर इट गिवन मी रीअरेंज करेंगे तो मतलब साफ हो जाएगा एवरीथिंग आई आस्क्ड फॉर लाइफ हैज गिवन मी दैट इज इनकरेक्ट और आपका टाइम भी खत्म हो चुका है और इसका सही जवाब लाइफ हैज गिवन मी Everything I asked it for.
बढ़ते हैं हमारे दूसरी टीम की तरफ श्रीराम विद्यालय बैंगलोर यू हैवन डन टू वेल इन द फर्स्ट गेम दिस इज योर टाइम दिस इज योर चांस टू मेक इट अप योर सेंटेंस इज ही स्पोक डैश अनदर कॉप स्टैंडिंग डैश फ्रंट डैश अ बिग थिएटर He spoke to another cop standing in front of a big theater. That was quick and that was correct. 30 points. Watch out, he pulled a handsome. Rearrange it. It'll make sense just like that. Next sentence. The cost was not be very much high. The cost must not be very high. You have said the cost must not be very high. That is correct. I'll give you 30 points for that. Go back to your second sentence. Watch out, he pulled a handsome. Rearrange it. Rearrange the words. Jaldi boliye. He pulled a handsome watch out. He pulled a handsome watch out. Matlab abhi bhi banta hai. Aur aapko main dunga is sentence ke 30 points. Well played. Center Point School, Nagpur. Aapka pehla sentence main de raha hu aapko, which is men dash break windows do not stop there dash talk dash cops. The men who break windows do not stop there and talk to cops. Correct hai ye. 30 points. Jimmy, no, me, meet. He's here if alive I will. Rearranged. Next sentence. Next sentence. A peoples who go there was not so much rich. The people who go there are not so rich. That is correct for 30 points. Go back to your second sentence. थोड़ा सा इसमें आपको rearranging करने की ज़रूरत है. ज़्यादा नहीं है. I know Jimmy will meet me here if he's alive. और आपने सही जवाब दिया है. आपके तीनों sentences correct है. Very well played. तो आइए देखते हैं कि इस game में किसने कितने points कमाए हैं. शुरू करते हैं Billabong International इंदौर से. इस बार आपने सिर्फ 30 points कमाए, but still very well played Billabong International. श्रीराम विद्यालय Bangalore. आपने तीनों सेंटेंसेस का करेक्ट ग्रामर सुधारा और आपको मिलते हैं 90 पॉइंट्स. सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर आपने भी तीनों सेंटेंसेस को सही से सुधारा है और आपको भी मैं 90 पॉइंट्स दूंगा. दो गेम्स खत्म हो चुके हैं. कोई टीम आगे है तो कोई टीम पीछे. लेकिन कौन सी किस पोजीशन पे है ये जानने के लिए आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा. मिलते हैं आपसे इसी शो पे जिसका नाम है Word match. वेलकम बैक टू वर्ड मैच. एक ऐसा निराला और अनोखा शो जहां स्कूल टीम्स खेल रही है और आप घर बैठे बैठे सीख रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि तीनों टीम्स के अब तक के स्कोर्स क्या हुए हैं. श्रीराम विद्यालय बैंगलोर आपका स्कोर है 110 पॉइंट्स. Billabong इंटरनेशनल इंदौर सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर योर बोथ एट 140 पॉइंट्स. वेरी वेल प्लेड सो फार. ओ हेनरी की कहानी द गिफ्ट ऑफ द मेजाई शुरू होती है क्रिसमस के एक दिन पहले जहां डेला और उसका हस्बैंड दोनों एक दूसरे के लिए चुपके से तोहफा ढूंढ रहे हैं लेकिन दोनों के पास पैसे नहीं हैं. अंत में दोनों अपनी एक कीमती चीज बेच के दूसरे के लिए तोहफा खरीदते हैं. इस छोटी सी कहानी के द्वारा ओ हेनरी हमसे सच्चे प्यार की तस्वीर दिखा देते हैं. इन दोनों नौजवान प्रेमियों की कहानी से आते हैं हम अपने तीसरे राउंड की ओर. जहां आपको एक राइट वर्ड ढूंढना है उसके लिए मैं आपको 30 सेकंड्स दूंगा और साथ साथ आपकी थोड़ी मदद भी करूंगा. मैं आपको कुछ क्लूज दूंगा. उन क्लूज के जरिए आपको हमारा राइट वर्ड गेस करना है और जितने कम क्लूज में आपने हमारा राइट वर्ड गेस किया उतने ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे. फर्स्ट क्लू में अगर आपने गेस किया तो आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे. इफ यू नीड टू क्लूज टू गेस आवर राइट वर्ड आपको 80 पॉइंट्स मिलेंगे एंड इफ यू नीड ऑल आवर थ्री क्लूज देन यू विल गेट ओनली 50 पॉइंट्स. तो हम शुरू करेंगे तीसरा गेम. व्हाट्स द राइट वर्ड. श्रीराम विद्यालय बैंगलोर लेट्स स्टार्ट.
Your first clue is hair. Hair. Head. Connected hair. That's not my comb. Right word. Comb. 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 Sahi jawab hai. Ek clue mein aapne guess kiya, to aapne kamaye hai 100 points. Very well played. Hamare agle school ki taraf chalte hain. Center Point School, Nagpur. Your first clue is shiver. Cold. Winter. That is the correct answer. For 100 points, well played. Billabong International, Indore. Your turn now. Aapka pehla clue hai. Offering. Offering. Giving. Gift. Gift, yes. It could be connected. Aur kuch sochiye. Giving. Giving. Helping. Aapka agla clue dena padega mujhe. I'm sorry. Animal. Offering. Animal. Pet. Pet. Meat. Meat. It's not the right word. Aur aapka last clue hai. Love. Love bird. Love bird kaha aapne. Nahi. Keep guessing. Abhi bhi thoda time baki hai aapke paas. When an animal is offered up, to kya kehte hai usko? Aur aapka time khatam ho chuka hai. Animal ko jab offer kiya jata hai. Kahi occasions pe bhi hota hai. Unhi occasions pe bali di jati hai. Use kehte hai sacrifice. I'm afraid aap jawab nahi de paaye. Aapko koi points nahi milenge. To aaiye dekhte hai ki is game mein kisne kitne points kamaye. Billabong International, 0 points kamaye hai. Don't be disheartened yet, Prithvi. Anirudh, abhi bhi ek game baki hai. You're going to fight hard? Yeah. Shriram Vidyalaya, Bangalore, 100 points. Ek clue mein guess kiya aapne. Well played, Shriram Vidyalaya, Bangalore. Center Point School, Nagpur, aapne bhi ek hi clue mein hamara right word guess kiya aur aapko bhi mile hai 100 points. Well played. तो इस तरह खत्म होता है हमारा तीसरा गेम. हम आज के लेखक को शुरुआत से ओ हेनरी बुला रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इनका असली नाम नहीं है. ये तो सिर्फ इनका स्यूडोनिम है, जिसे पेन नेम भी कहते हैं. उनका असली नाम क्या था और उन्होंने कहानियां लिखने के लिए अपना नाम क्यों बदला, ये मैं बताऊंगा इस ब्रेक के बाद. तो थोड़ा सस्पेंस और थोड़ा मिस्ट्री रखिए और मिलते हैं हम एक ब्रेक के बाद सिर्फ वर्ड मैच पे. वेलकम बैक टू वर्ड मैच. जैसा कि मैंने आपको ब्रेक से पहले प्रॉमिस किया था, ओ हेनरी का रियल नेम था विलियम सिडनी पोर्टर. उन्होंने अपना असली नाम इसलिए नहीं इस्तेमाल किया था क्योंकि जब वो अपनी पहली कहानियां मैगजीन्स को भेज रहे थे तो उन्हें पता नहीं था कि वो कहानियां अच्छी थी कि नहीं, इसीलिए उन्होंने ओ हेनरी को अपना पेन नेम बना लिया. और कहानियों के मशहूर होने के साथ साथ ये नाम भी मशहूर हो गया. फिलहाल आप सब ये जानना चाहते होंगे कि तीसरे गेम के बाद आपके स्कोर्स अच्छे हैं कि नहीं. बिलबोंग, आपका स्कोर है 140 पॉइंट्स. श्रीराम विद्यालय बैंगलोर, आपका स्कोर है 210. वेल प्लेड. एंड सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर, आपका स्कोर है 240 पॉइंट्स. वेल प्लेड. अब समय आ गया है हमारे आखिरी गेम का. इस गेम में हमने 10 इंग्लिश के वर्ड्स ओ हेनरी की कहानियों से लिए हैं. उन वर्ड्स को आपको करेक्टली स्पेल करके बताना है. ये एक बजर राउंड है. जो टीम पहले बजर दबाएगी उसको मैं जवाब देने का मौका दूंगा. हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स. हर गलत जवाब के लिए आपके कट जाएंगे 10 पॉइंट्स. विच मीन्स इफ यू गेट करेक्ट आंसर्स देयर आर 200 पॉइंट्स टू बी वन. हम शुरू कर रहे हैं हमारा आखिरी गेम स्पेलेथॉन. योर फर्स्ट इंग्लिश वर्ड इज Absurd. Shriram Vidyalaya, Bangalore. O-B-S-E-R-V-E-D. Observe की spelling बताई आपने मुझे. Absurd की नहीं बताई. कोई और जानता है? A-B-S-U-R-D. A-B-S-U-R-D. Shriram Vidyalaya को अब लग रहा है सही जवाब है. Danish, you just heard it wrong, didn't you? Minus 10 points to you. Not a very good start. Our second English word is proposition. Center Point School, Nagpur. P-R-O-P-O-S-I-T-I-O-N. P-R-O-P-O-S-I-T-I-O-N is the correct answer for 20 points. Well played, Center Point, Nagpur. Our next English word is guardian. Billabong International, you're going to have 5 seconds from now.
G-A-U-R-D-I-A-N. नहीं 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 मैं बोलूंगा आप डिसाइड करिए आई ब्लिंक जी ए यू आर देखिए जी यू ए आर डी आई एन एक सेकंड वन ऑफ यू इज गोइंग टू टेक द आंसर नाउ जी यू ए आर डी आई एन एंड दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर 20 पॉइंट्स वेल प्लेड सिमल्टेनियसली सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर एस आई एम आई एल टी ए एन ई ओ यू एस एल वाई एस आई एम यू एल टी ए N E O U S L Y और अगर आपने भी यही कहा होता तो ये बिल्कुल सही जवाब होता फॉर 20 पॉइंट्स लेकिन सेंटर पॉइंट नागपुर आपने ये नहीं कहा आपके माइनस 10 पॉइंट्स हो गए योर नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड इज थरोफेयर बिलबोंग इंटरनेशनल इंदौर T-H-O-U-R आगे बोलिए एक बोलेगा T-H-O-U-R-O-U-G-H-F-A-I-R थरोफेयर सर हिला रहे दानिश क्या लग रहा है आपको पता है बोलिए T-H-O-R-O-U-G-H-F-A-R-E आपने अगर बजर दबाया होता और ये कहा होता तो आपको 20 पॉइंट्स मिल गए होते लेकिन बिलबोंग इंटरनेशनल यू कुड नॉट गेट इट आपके 10 पॉइंट कम हो चुके हैं Your next English word is impressive. Center Point School, Nagpur, Vishwanath. I-M-P-R-E-S-S-I-V-E. And that is impressive. 20 points. Well played. Agla English word hai. Ye to ajuba ho gaya. Maine word bola hi nahi aur aapne buzzer daba diya. अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो कमाल हो जाएगा चलिए दीजिए जवाब Q U I E T L Y Q U I E T L Y तीनों टीम्स हंस रही है क्यों सर लिखा ही था आपने भी लिख लिया था आपने yes. भी सुन लिया yes, अरे हमने सुना था कुत्तों के यानी डॉग्स के बहुत अच्छे कान होते हैं यहां तो मैंने देखा आप जैसे बच्चों के भी इतने अच्छे कान है इतनी अच्छी लिसनिंग स्किल है आपकी आपने सुना था जो मैंने कहा था क्वाइटली वेरी वेल प्लेड क्यू यू आई ई टी एल वाई क्वाइटली की स्पेलिंग योर नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड इज इंट्रिकेट श्रीराम विद्यालय आई एन टी आर आई सी ए टी ई और ये बिल्कुल सही जवाब है फॉर 20 पॉइंट्स वेल प्लेड मूविंग ऑन टू आवर लास्ट टू वर्ड्स एक्सेंट्रिक श्री राम विद्यालय बेंगलोर ई सी सी ई एन टी आर आई सी सही जवाब है फॉर 20 पॉइंट्स और आपका आखिरी वर्ड है सकम दैट वाज क्विक एस यू सी सी ओ एम ई आपने आखिरी में एक ई लगा दिया ई नहीं है ई नहीं है एस यू सी सी यू एम बी इसका मतलब आखिरी वर्ड पे आपके 10 पॉइंट डिडक्ट हो चुके हैं हमारा आखिरी गेम खत्म होता है जिस गेम का नाम था स्पेलाथॉन तो आइए देखते हैं कि इस गेम में किसने कितने पॉइंट्स कमाए हैं शुरू करते हैं बिलबोंग इंटरनेशनल इंदौर से आपने कमाए इस राउंड में 30 पॉइंट्स वेल प्लेड श्रीराम विद्यालय बेंगलोर ने कमाए 30 पॉइंट्स वेल प्लेड और सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर आपने कमाए 20 पॉइंट्स वेल प्लेड चार गेम्स के बाद अब समय आ गया है टोटल स्कोर देखने का बिलबोंग इंटरनेशनल इंदौर विद 170 पॉइंट्स बहुत अच्छा खेले आप लोग एंड एट सेकेंड पोजिशन श्रीराम विद्यालय बेंगलोर 240 पॉइंट्स कमाए आपने वेल प्लेड एंड आर टू विनर्स फॉर दिस एपिसोड आर Vishwanath and Rachit with 260 points, Center Point School, Nagpur. Congratulations. You two are on your way to the quarterfinals. Aaj ka hamara episode twists aur turns se bhara hua tha. Just like a O. Henry story. Shayad aap ye nahi jante honge, lekin O. Henry ki zindagi bhi
उनकी कहानियों से कम रोमांचक नहीं थी। पहले तो वो अपनी पत्नी एथोल को भगा के ले गए थे, फिर कुछ साल बाद जब वो एक बैंक में काम कर रहे थे उन्होंने वहां से पैसे चुराए और जब पकड़े जाने का टाइम आया तो वो अमेरिका छोड़ के होंडुरास भाग गए। उन्होंने अपनी नॉवल कैबेजेस एंड किंग्स वहां छुपते छुपते लिखी। अमेरिका वापस आने के बाद उन्हें 5 साल की जेल हुई। उन्होंने जेल में 14 स्टोरीज लिखी और इस दौरान ओ हेनरी के नाम से मशहूर भी हो गए। What an exciting life he must have had. And now it's time for us to bid you goodbye once again. But before I go, I would like to share something with you. A quote by O. Henry. Each of us, when our day's work is done, must seek our ideal, whether it be love or pinochle or lobster a la Newberg, or the sweet silence of the musty bookshelves. And that last is my place of solace. Which is yours, I wonder. Before I retire into the silence of my musty bookshelves, I would like to remind you to write to me at wordmatch@zq.in. Tab tak ke liye, main hu Casey Shankar, aapse vida leta hu. Milte hai Word Match ke agle episode mein. Until then, khelte rahiye aur kitabe padhte rahiye. Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and who's, and never mix up lose with lose. Which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down.